फिल्म जजमेंटल है क्या जल्द ही रिलीज होने जा रही है। कंगना और राजकुमार राव स्टारर ये फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर बताई गई है। बॉलीवुड में जजमेंटल है क्या से पहले भी कई साइको थ्रिलर फिल्में बनी है, इनमें डर और रमन राघव जैसी फिल्में शामिल है। शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने काम के लिए खूब सराहे गए। हॉलीवुड में तो साइको थ्रिलर पर बनी ऐसी तमाम फिल्में हैं जिन्हें सिनेमा इतिहास में क्लासिक का दर्जा मिला है। दुनिया भर की ऐसे ही सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर में शुमार है रॉबर्ट डी नीरो की फिल्म टैक्सी ड्राइवर। फिल्म में रॉबर्ट ने जिस तरह से डूबकर अपने किरदार को किया वो बेंचमार्क की तरह है। टैक्सी ड्राइवर एक दिमागी रूप से बीमार इंसान की कहानी है जो शहर से गंदगी और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कई हत्याएं करता है। इस किरदार में रॉबर्ट डी नीरो ने अपने कमाल का काम किया। फिल्म के लिए रॉबर्ट ने अपनी फीस कम कर दी थी, साथ ही उन्होंने बेहद डेडिकेशन से इसकी तैयारी की। अपने किरदार को ठीक से समझने और उसमें ढलने के लिए रॉबर्ट ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक महीने तक टैक्सी चलाई। रॉबर्ट रोज 15 घंटे टैक्सी चलाते रहते थे और अपने किरदार की बारीकियों को समझते थे। इसके अलावा उन्होंने दिमागी बीमारियों के बारे में भी काफ़ी तैयारी की। रॉबर्ट ने बताया कि जब उन्होंने टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग की तब उन्हें फिल्म गॉडफादर 2 के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था, लेकिन लोग उन्हें खास पहचानते नहीं थे। टैक्सी ड्राइवर की तैयारियों के दौरान जब वे एक दिन न्यूयॉर्क में कैब चला रहे थे तब उन्हें लोगों ने पहचान लिया था। इसके अलावा रॉबर्ट ने अपने एक्सेंट पर सही पकड़ बनाने के लिए खाली समय में उत्तरी झटली के US आर्मी बेस होकर आए थे और उन्होंने मिडवेस्टर्न सोल्जर्स की टेप रिकॉर्ड की गई बातों को भी सुना था। अब देखना होगा कि जजमेंटल है क्या में कंगना और राजकुमार राव ने किस तरह का अभिनय किया है। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए असल एंटरटेनमेंट।